नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी दीपावली की पूजा करने के बाद और दीपावली की पूजा करने से निश्चित तौर पर दोस्तों भक्तों पर प्रसन्न होती है और भक्तों को कुछ ऐसे संकेत देती है जिसके माध्यम से उनको पता चल जाता है कि अब उनके घर परिवार के अंदर खुशियाँ आने वाली है और साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी दीपावली पर यह संकेत मिल जाते हैं तो समझ ये कि धन के देवता कुबेर आपसे प्रसन्न है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी हुई है, इसी वजह से इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों की। दोस्तों, सबसे पहला तो यही संकेत है कि दीपावली की पूजा अगर आपकी सच्चे मन और सकारात्मक रूप से संपूर्ण हो जाती है और आप सारे परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर खुशियों से दीपावली की पूजा सही तरीके से पूरी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपके जीवन के अंदर इस प्रकार का संकेत बना है। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, दीपक तो आप हमेशा से ही पूजा के अंदर जलाते हैं, लेकिन जो दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी को जो दीपक जलाया जाता है वो बहुत तेज अपने आप ही उठ जाता है और थोड़ा ऊपर उठकर अपने आप ही जलने लगता है और उसके अंदर आपको किसी प्रकार के देवी देवताओं की चिन्ह की आकृति दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हुई है। और दोस्तों, दीपक सही गति से जलता है तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर अब आपको मालामाल करने वाली है। इसी तरह दोस्तों, दीपावली की पूजा करते समय या दीपावली के दिन ऐसा कोई शुभ समाचार जो आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे लेकिन आपके योग नहीं बन पा रहे थे, अगर दोस्तों दीपावली के दिन आपको वो शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाती है या कोई ऐसा सदस्य या ऐसा मित्र परिचित जिससे आप मिलना चाहते थे लेकिन दोस्तों आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन दीपावली के दिन चलकर आपको उनका अच्छा समाचार प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, अगले संकेत की बात करें तो दीपावली के दिन या फिर दीपावली की पूजा के समय आपके घर के मुख्य द्वार पर गोमाता का दिखाई देना भी अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों गोमाता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गोमाता का दिखाई देना भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जहाँ पर उल्लू होता है समझ लीजिए कि वहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती है, तो दीपावली के आसपास आपके घर, आपके घर की छत या आपके घर के आसपास उल्लू का आपको दिखाई देना या आपके स्वप्न के अंदर उल्लू के साथ माता लक्ष्मी का आगमन होना समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर अब धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, इसी वजह से आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है और माता लक्ष्मी की से अब आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, चतुंदर को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की रात्रि को कोई चतुंदर आपके घर के अंदर प्रवेश करता हुआ निकल जाता है या चतुंदर के बोलने की आवाज दीपावली की रात्रि को आपके कानों के अंदर पड़ती है, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी अब आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, दीपावली की रात्रि को आपके स्वप्न के अंदर भगवान श्री गणेश की मूर्ति कोई शंख का शंखनाद करते हुए या कोई व्यक्ति आरती करते हुए या फिर आपके स्वप्न के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं और वह सारे प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब है अब आने वाला समय आपका संकट का नहीं बल्कि आपका खुशियों का समय होगा और आने वाले समय के अंदर आपके घर परिवार और आपके जीवन पर आपको तरक्की देखने को मिलेगी। इस प्रकार के संकेत यही इशारा आपको करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो अगर दोस्तों आपके जीवन के अंदर धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था या कोई व्यक्ति आपको पैसे ही नहीं देता था लेकिन दीपावली की रात्रि को या दीपावली के दिन आपको सड़क पर पैसे गिरे मिल जाते हैं या कोई व्यक्ति आपको सामने की तरफ से आकर पैसे देता है या फिर दोस्तों आपको किसी प्रकार के धन आगमन के संकेत प्राप्त होते हैं, तो भी दोस्तों इसे माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है और निश्चित तौर पर अब आपके घर परिवार के अंदर धन का आगमन होगा। इस प्रकार से दोस्तों संकेत आपको बता देते हैं कि निश्चित तौर
पर अब माता लक्ष्मी की आपकी कृपा है और सारे संकेत दीपावली के दिन मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।